ओ शिट, मम्मी का फोन आ रहा है। ए, कॉल मत उठा, पकड़ा जाएगा, पुलिस पीछे पड़ी होगी। भाई यदि अब कॉल पिक नहीं किया तो मम्मी पुलिस के पास चली जाएगी यार। अरे यार मेरी बात सुनो, सुनो एक काम करते हैं, मेरे घर चलते हैं, तुम भी वहीं रुक जाना, हम सेफ भी रहेंगे। चलो। हाँ चल। हाँ मम्मी। मुन्ना कहाँ है तू, कब से परेशान हूँ मैं। शांत हो जाओ मम्मी, बस घर ही आ रहा हूँ। फोन भी नहीं उठा रहा है। फोन साइलेंट पे रह गया था। जल्दी घर आ। हाँ बस घर ही आ रहा हूँ। अरे कहाँ था तू। अरे बेटा आप लोग भी साथ में। नमस्ते आंटी। हाँ वो लेट हो गया था तो मैंने कहा मेरे घर चलो, सुबह निकल जाना। आओ। चल। एक मिनट, ये क्या हुआ, कैसे लगी ये। वो कुछ नहीं, वो ये वो ऐसे ही मस्ती मजाक कर रहे थे तो लग गई मम्मी। वो ये लोग आपस में खेलते रहते हैं ना इसलिए। ठीक है आओ। कुछ खाओगे तुम लोग, बना दो कुछ। अरे हम लोग तो खा के आए ना। तुम लोग यहाँ आराम करो, मैं बेडरूम में सोने जा रही हूँ। ठीक है। हाँ सो गई। अब क्या करे। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, अब समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा। चुप, करते वक्त साले मजे ले रहे थे, अब तुम लोग की फटके हाथ में आई हुई है। यार मैंने बोला था ये सलमान की वजह से हुआ है सब कुछ। हाँ, तेरे तो हाथ पैर मैंने जबरदस्ती बांध के कराया सब कुछ। तो सीधा घर जा रहा था, तुम लोगों की वजह से हुआ ये सब। हाँ तू भी यही बोलने लगा, मुझ पे ही ब्लेम करो, तेरा तो दिमाग ही खराब हो गया एकदम। अबे तो सारी गलती मेरी है क्या, तुम लोग भी तो वहीं पे थे। अबे याद है अपन गए थे वहां पे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा इसे याद भी है। हाँ मतलब सबने कितने मजे किए थे। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही तुम लोग को। अरे आंटी वो इतने दिनों बाद मिले हैं ना तो बातचीत हो रही है थोड़ी। हाँ बहुत टाइम बाद मिले हैं तो बात कर रहे हैं। ठीक है थोड़ा धीरे बात करो। ठीक है मैं सोने जा रही हूँ, थोड़ा धीरे। समझा इसको। मम्मी सोई नहीं है, किचन में गई है। किचन में अरे आंटी आंटी इसकी क्या जरूरत है आंटी। चाय पियो और किचन में नूडल्स भी रखे हैं, बना लेना भूख लगे तो। ठीक है और प्लीज धीरे बातें करो। नहीं आंटी, पेट भरा हुआ है। थैंक यू आंटी। आपने किया था फोन, कहाँ है वो। चेक करो। साहेब ये तो मर चुका है। ये कैसे हुआ। कल रात ये दोनों मेरे बेटे के साथ में घर आए थे, तभी मुझे कुछ ठीक सा नहीं लगा, फिर मैं सोने चली गई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मन कह रहा था
कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इन सबको लगा कि मैं सो चुकी हूँ और फिर ये सब अपने कारनामे बताने लग गए। सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ, और नहीं तो क्या? तो देखो तब नहीं समझ आया। यार आपस में लड़ना बंद करो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पुलिस घर पर आ गई तो क्या होगा? अबे तू क्यों टेंशन ले रहा है? तू तो अभी नाबालिग है, बालिग होने में तुझे टाइम है, तब तक मजे करना। मतलब मैं अकेले फंसूंगा? अरे अरे भाई तू बैठना है, बैठना है। इनकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे अपनी कोख पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। मुझे सारी जिंदगी अफसोस रहेगा कि मैंने एक राक्षस को जन्म दिया है। फिर मैंने फैसला किया, जो हर माँ को करना चाहिए वही किया। मैंने जानबूझकर आवाज की। आवाज सुनते ही ये सब चुप हो गए। मैं इनके पास गई और इन्हें धीरे से बात करने के लिए कहा। फिर मैं किचन में चाय बनाने के लिए चली गई और मैंने चाय में नींद की दवाई मिला दी। चाय पीते ही ये सब गहरी नींद में सो गए। मैं चाहती तो इन सब की जान ले सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सिर्फ मुन्ना की जान ली। मैं जानती थी मेरा बेटा नाबालिग है, आज नहीं तो कल छूट जाएगा और फिर किसी लड़की का रेप करेगा। इसलिए मैंने मार डाला उस राक्षस को, मार डाला मैंने अपने बेटे को, मार डाला मैंने उस रावण को, मार डाला।